ऐसा टांग पढ़ के और हैप्पी होली। होलिका के दिन अगर आपने भुकुआ नहीं लगा तो छछुंदर का जन्म पाओगे। क्या नाम था? होलिका। हिरण्यकश्यप। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। इसको क्या बोलते हैं? चैंट द नेम। व्हाट इज कॉल्ड दिस फेस्टिवल? बोलेंगे थोड़ा साथ में, फेस्टिवल ऑफ कलर। क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ कलर्स। क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ कलर्स। या फिर इसको अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, फेस्ट ऑफ कलर। क्या बोलते हैं? फेस्ट ऑफ कलर। लेट मी टेल यू, ये होते हैं कलर्स। कैन यू प्लीज लुक एट द वाइट बोर्ड प्लीज। अभी लिखिएगा, देख लीजिए, पूरा इकट्ठे कर लेना आप लोग एक ही बार में। हमारे पास है कलर्स, दिस इज ऑल्सो कलर्स। कैन यू टेल मी प्लीज विच वन इज राइट इन दिस? बोथ आर राइट इन दिस, राइट? सबसे पहले वेयर, वेन यू सी दैट राइट ओ डब्ल्यू, सॉरी ओ यू, इट मीन्स दैट ये कहाँ से लिया गया है? इट इज फ्रॉम ब्रिटिश। कहाँ से? ब्रिटिश है। एंड इट इज फ्रॉम अमेरिकन। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, अंग्रेज यहाँ आकर 250 साल तक उन्होंने क्या किया? राज किया। उनकी अंग्रेजी को हमने एक्सेप्ट किया, हमारी किताबों में, हमारी आंखों के सामने क्या हुआ, यही सब छप गया। तो हमको क्या लगता है कि ये वाला सही है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला गलत हो जाता है। एक्चुअली बोथ आर राइट इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। द ब्रिटिशर्स यूज दिस एंड अमेरिकन यूज दिस। हमारे सामने ये ज़्यादा पड़ता है इसलिए हमको ये गलत लगता है। लेट मी टेल यू वन अनदर स्पेलिंग, आई जस्ट वांट टू से ऑल ऑफ यू, कैन यू राइट द स्पेलिंग ऑफ फेवरेट? फेवरेट की स्पेलिंग लिख के दिखाई थोड़ा सा, फेवरेट की। फेवरेट, एफ वी ओ यू आर आई टी, दिस इज द फेवरेट। लास्ट टाइम लिखवाया था ना मैंने, देखा, ये भी स्पेलिंग होती है। द बोथ स्पेलिंग आर राइट एग्जैक्टली, हैव रिटन नाउ, फेवरेट एंड फेवरेट। ये स्पेलिंग जो किसके लिए है? ये ब्रिटिश के लिए। दिस स्पेलिंग इज फॉर, जस्ट लाइक दिस, एक होता है एडवर्टाइज और एक होता है एडवर्टाइज, दोनों में होता है, एक में एस रहता है एक में जेड रहता है, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन, खत्म। क्लियर गाइस? नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू एक्चुअली अ स्टोरी रिलेटेड टू द होली। होली से रिलेटेड एक स्टोरी बताना चाहूँगा, हम होली क्यों मनाते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस और जबरदस्त चीज़ें सीखने वाले हैं रिलेटेड टू द होली। सबसे पहले, देर वॉज अ क्रूअल किंग। एक राजा थे जो कि क्रूअल थे। क्रूअल का मतलब क्या होता है? क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। क्या होता है? क्रूअल मीन्स क्या होता है? क्रूर, जिसको हम बोल सकते हैं फेलोनियस। क्या बोल सकते हैं? फेरोसियस। फेरोसियस मीन्स क्या होता है? क्रूअल। क्रूअल मतलब होता है निर्दयी। निर्दयी मीन्स क्रूर, ठीक है ना? इस तरीके से क्या होता है? फेरोसियस। आइदर वी कैन से दैट स्टोन हार्टेड। व्हाट कैन वी से? स्टोन हार्टेड, ठीक है ना? या हार्ट हैविंग द स्टोन इज कॉल्ड फेरोसियस और क्रूअल। क्रूअल मीन्स क्या होता है? निर्दयी राजा। व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट पर्सन? द नेम वॉज दैट एक्चुअली हिरण्यकश्यप। नाम सुना आपने? हिरण्यकश्यप, इस तरीके से। द हिरण्यकश्यप वॉज अ थीस्ट। व्हाट वॉज ही? ये क्या थे? ही वॉज अ थीस्ट। अ थीस्ट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड। वह व्यक्ति जो भगवान विश्वास नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड अ थीस्ट। ओके मैम, दिस इज कॉल्ड अ थीस्ट, मतलब डज नॉट बिलीव इन द गॉड। द वन थिंग इज दैट हिस, देर वॉज हिज सन, इनके बेटे थे जिनका नाम क्या था? प्रहलाद। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बॉय? प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। हिज सन्स नेम एक्चुअली देयर। अब लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, ये क्या थे? ही वॉज अपोजिट ऑफ द हिरण्यकश्यप, इनके अपोजिट थे। ये कहते थे कि आई एम थीस्ट। क्या कहते थे? आई एम थीस्ट, कि ये क्या है? थीस्ट है, भगवान को मानने वाले हैं इनके पिता, जबकि उनके अपोजिट थे। एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ एग्जैक्टली, ये सोचते थे कि मैं ही राजा हूँ, लेकिन ये कहते थे नहीं, यू आर नॉट द किंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द गॉड, दैट गॉड क्या है? गॉड श्री हरि हैं, श्री कृष्ण है, ऐसा कहा रहते हैं। लेट मी टेल यू नाउ, दिस इज द एक्चुअली प्रहलाद आई एम टॉकिंग अबाउट, ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ही इज द थीस्ट। और ये क्या थे? लॉर्ड विष्णु को डिवोटी थे। क्या थे? डिवोटी। डिवोटी मीन्स क्या होता है? डिवोटी मीन्स होता है भक्त। क्या होता है? भक्त। डिवोटी मीन्स भक्त, इस तरीके से। नेक्स्ट प्लीज, डिवोटी से एक वर्ड बनता है विच इज कॉल्ड डिवोशन। व्हाट इज कॉल्ड देयर? डिवोशन। डिवोशन मीन्स क्या होता है? भक्ति। क्या होती है गाइस? भक्ति होती है। क्लियर? नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्चुअली अबाउट द प्रहलाद। द प्रहलाद क्या करते थे? एवरी डे एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट चैंट। चैंट द नेम ऑफ, क्या बोलते हैं? चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये क्या करते थे? लॉर्ड विष्णु का क्या नाम को जपा करते थे। चैंट द नेम का मतलब क्या होता है? नाम जपना। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ऐसे जपना हुआ, फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाऊंगा तो मैं खो जाऊंगा एकदम, मंत्र मुग्ध होकर फिर क्या होगा? आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। इसको क्या बोलते हैं? चैंट द नेम। ये तो मैं अपना ठीक है ना, कह रहे महेश भट्ट का क्या होगा? इसको बोलते हैं चैंट द नेम। तो वो क्या करते थे? श्री हरि जी का
नाम जपा करते थे. जस्ट लाइक दैट इफ यू हैव टू टॉक अबाउट दिस एक्चुअली सो वी कैन से ऑल्सो चैंट द मंत्रा. क्या बोल सकते हैं? चैंट द मंत्रा. मंत्र को इंग्लिश में हम मंत्रा पढ़ देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं मंत्रा. तो चैंट द मंत्रा का मतलब होता है मंत्रों का जाप करना. गेट इट नॉट? यस. एंड नाउ इसका मतलब क्या होता है? भक्ति होता है. इस रिलेटेड एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं डेडिकेशन. क्या बोलते हैं? डेडिकेशन. डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन का मतलब समर्पण. क्या होता है? समर्पण. आप समझ सकते हैं एक तरह सा, ठीक है ना? इस तरह क्या बोलते हैं? समर्पण. द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनीवेयर इज द डेडिकेशन. मतलब समर्पण, खुद को समर्पित करके फिर सीखना, ये कहलाता है. आई वॉज वॉचिंग द महाभारत, उसमें कृष्ण जी कहते हैं अगर आपको किसी को सबसे पहले सीखना, किसी से सबसे पहले आपको समर्पण करना पड़ेगा अपना खुद का. खुद को उसकी तरफ आप क्या कर दीजिए? समर्पित कर दीजिए, डेडिकेटेड हो जाइए. देन आफ्टर दैट वो टीचर, वो व्यक्ति आपको पूरा जी जान से सब कुछ सिखाता रहता है, ठीक है ना? अगर आपके बॉडी में कहीं पर लगेगा कि कहीं कंकड़ है, जस्ट लाइक दैट एक पॉटर होता है. पॉटर मीन्स डू नो? कुम्हार. कुम्हार होता है ना? कुम्हार होता है. कुम्हार डू नो? कुम्हार होता है. तो क्या वो मिट्टी बनाता है ना इस तरीके से? हाँ, उसका मटका बनाता है समझ लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे आकार देता है. आपने देखा ना, एक पॉटर होता है, क्या कहता है, अच्छे खासे अच्छा आकार देता है. लेकिन अगर उसमें मिट्टी में कहीं भी कंकड़ रहता है तो उसको निकाल के फेंक देता है, उस मिट्टी को ही फेंक देता है. दूसरी अच्छी वाली मिट्टी लाता है या तो उसे निकाल फेंक देता है. जस्ट लाइक दिस एग्जैक्टली, अगर आप एकदम प्योर जबरदस्त तरीके से हो तो उस समय एक टीचर आपको अच्छे तरीके से ढाल के आपको आपका आकार देगा जो आप बनना चाहते हैं. तो डेडिकेशन मस्ट बी इन अ प्रॉपर वे, कोई कंकड़ नहीं रहे मन में, ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग, समर्पण मस्ट बी देयर. तो क्या कर रहे थे? चैंटिंग द मंत्रा. एंड देयर वाज अ सिस्टर, देयर वाज अ सिस्टर ऑफ हिरण्यकश्यप. हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम क्या था? होलिका. क्या नाम था? होलिका. हिरण्यकश्यप, ठीक है ना? इस तरीके से क्या बोलते हैं? होलिका. शी गॉट बून. एग्जैक्टली, इनको क्या था? प्राप्त था बून, मीन्स वरदान प्राप्त था, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड्स. यानी कि भगवानों से क्या प्राप्त था इनको? ब्लेसिंग्स, यानी कि वरदान प्राप्त था. किस चीज़ का था? कि भाई साहब अगर ये शॉल, शॉल समझते ना, अगर ये जो शॉल है इसको आप वो कवर करे रहेंगी तो अग्नि इनको जला नहीं पाएगी, ऐसा कुछ कहानियों में शायद मैंने सुना है, ठीक है ना? शॉल को नहीं कर पाएंगे, ऐसा था. तो वेन एक्चुअली ही वॉज फीलिंग द पर्सन हिरण्यकश्यप, ये जो फील कर रहे हैं, तो भाई साहब इनको मारने की बहुत सारा ट्राई कर रहे थे अपने बेटों के. कभी उनको पानी में ढकेल देते थे, खाने में जहर मिला देते थे, समटाइम्स घर में बंद करके घर ही गिरा देते थे. तो बट ही वॉज सेव्ड एवरी टाइम. द मैटर वॉज दैट एग्जैक्टली जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉड. तो ये बताना चाहते हैं कि चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, ये बताना चाहते थे प्रहलाद. एंड ये उनको मानना चाहते थे, कहते थे कि हम ही भगवान हैं, हम सब कुछ हैं. तो ही वॉज थिंकिंग दैट एग्जैक्टली, पूरा अहंकार एकदम था खतरनाक तरीके से. नाउ वट हैपन्स, इन्होंने अपनी बहन को बुलाया मारने के लिए, कहा बहन आई नीड हेल्प, प्लीज यू कम एंड प्लीज यूज योर पावर. अपनी पावर यानी अपने बून यानी अपने वरदान को आप क्या करो, उसको यूज करो. फिर क्या होता है ऐसी कहानियों में, समथिंग लाइक दैट है कि ये बैठ जाते हैं, आग का होता है ना समथिंग लाइक, लकड़ी का है ना, लकड़ी का समथिंग लाइक बना बना के उस पर बैठ जाते हैं. तो उसके शायद गोदी में ये लड़का बैठ जाता है, क्या नाम था ये प्रहलाद, हाँ लिटिल बॉय है ना, उनके गोद में क्या करते हैं? बैठ जाते हैं. फिर आफ्टर दैट क्या होता है, जब गोद में बैठ जाते हैं तो ब्लो द विंड. क्या होती है? ब्लो द विंड, हवा बहती है. लेकिन कैसी बहती है? स्टॉमी. क्या बोलते हैं? स्टॉमी. बस ये कहानियों में रियलिटी कैसी कैसी है हमें एग्जैक्ट नहीं पता, जो भी कहानी मैंने सुनी वो बता रहा हूँ. ब्लो द विंड, हवा बहती है लेकिन कैसा? स्टॉमी मीन्स तूफानी हवा बहती है. उनकी जो सॉल होती है ना उनके ऊपर कवर हो जाती है अचानक सडनली, और वो हंसती हैं तेजी से उसी पे, आग पे जलते हुए. सॉल किसके ऊपर हो जाती है? बच्चे के ऊपर. बच्चा बच जाता है और जो ये रहती है होलिका, उनका दहन हो जाता है. तो इसीलिए कहते हैं हम लोग लाइट. क्या बोलते हैं? लाइट द होलिका. व्हाट डज इट मीन लाइट द होलिका? इसका मतलब होलिका को जलाना. आप मन करे तो कह देना बर्न द होलिका. क्या बोल सकते हैं? बर्न द होलिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं होलिका दहन. क्या बोलते हैं? होलिका दहन. और इस होलिका को वी कॉल लाइक बोन फायर. क्या बोलते हैं? बोन फायर. क्या बोलते हैं? बोन फायर. तो हम बोल सकते हैं ना लाइट द होलिका, मतलब लाइट द बोन फायर. इसका मतलब क्या होता है? होलिका. क्या बोलते हैं? होलिका. क्लियर? सो दिस वॉज द लिटिल स्टोरी. ये कब मनाते हैं? होली के एक दिन पहले मनाते हैं, ठीक है ना, इसको होलिका को. ऐसे आपको पता है इन माई विलेज पीपल आर सेइंग एग्जैक्टली, अगर होली के एक दिन पहले जिस दिन होलिका रहती है उस दिन आप बुकवा लगाओ. डू यू नो गाइस बुकवा? बुकवा इज कॉल्ड द सरसो, यू नो सरसो. एंड आफ्टर दैट यू नो बुकवा, देन यू मेक द यू नो यू क्रश द एक्चुअली सरसो एंड देन यू मेक द पेस्ट ऑफ द सरसो एंड देन यू अप्लाई ऑन योर होर बॉडी. उसको बुकवा कहते हैं. बुकवा आप लोग शायद जानते होंगे, यू नो बुकवा. बच्चों को लगाया जाता था सरसों को पीस कर और उसमें तेल उल डाल के थोड़ा उसको उबाल के चुरा के, आई डोंट नो एक्चुअली मोर अबाउट दैट. तो लगाते हैं, कहते थे कि अगर होली के एक दिन पहले, मतलब कि क्या बोलते हैं, होलिका के दिन अगर आपने बुकवा नहीं लगा तो छछुंदर का जन्म पाओगे.
सुन रहे हैं कि नहीं, इसलिए आप लोग लगा लेना. ओके चलो, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट इज ए स्टोरी. एग्जैक्टली कितनी ट्रू है क्या है मुझे नहीं पता. लोग ऐसा कहा करते थे कि लगाओ. अब साइंटिफिकली है कैसे क्या मामला है आप लोग सर्च कर लेना. मुझे वैसे पता था, मुझे डरा डरा के जबरदस्ती बुक लगवाते थे इन विलेज एंड ऑल, तो हम जाके लगाते थे. नेक्स्ट प्लीज. अब जब होलिका जलाते हैं ना तो लोग करते हैं रिवॉल्व. क्या करते हैं? रिवॉल्व. क्या ऐसे बोलते हैं? रिवॉल्व. क्या करते हैं? रिवॉल्व. सही लिखा हूँ मैं? रिवॉल्व यही होता ना. रिवॉल्व मतलब क्या होता है? घूमना, चक्कर लगाना, भ्रमण करना, जिसको बोलते हैं परिक्रमा. क्या बोलते हैं? परिक्रमा. ऐसे बोलते हैं ना, परिक्रमा. क्या बोलते हैं? परिक्रमा. तो लोग क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं. परिक्रमा समझ रहे हो आप लोग? जैसे देखिए किसी की डेथ हो जाती है तो आपने मूवीज में देखा होगा ना, तो ले लेते हैं एक मटका, ले लेते हैं. कहाँ ले लेते हैं? कंधे में मटका ले लेते हैं. क्या हो रहा भाई? एक मटका ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं, समथिंग लेते हैं पाँच छः लोग. कुछ इसी प्रकार से इनका भी था, हालांकि ये जल रही है ना इसीलिए इनका वैसी परिक्रमा टाइप का करते हैं, है ना, ऐसे करके. तो बोलते हैं रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से. अब इसी से बनता है रिवॉल्वर. क्या बना है? रिवॉल्व. रिवॉल्व रहता है शायद, इसी से बनता है रिवॉल्वर. समझते ना, रिवॉल्वर जो होता है घर 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 के, है ना, इसीलिए उसको रिवॉल्वर बोलते हैं. रिवॉल्व से गेटिंग ना. ये होता मामला. एंड आफ्टर जस्ट नो बर्निंग द होलिका दे कम टू द होम. नेक्स्ट डे दे सेलिब्रेट द होली, लाइक पीपल सेलिब्रेट द होली. होली मनाने के लिए हम कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली होली मनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए. जैसे हमें चाहिए कलर. क्या चाहिए? यस, वी नीड कलर. इन द कलर दो तरह का कलर हो जाएगा. एक होगा सॉलिड. क्या होगा? सॉलिड. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कलर. क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग कलर. सॉलिड कलर, स्ट्रॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं पक्का रंग. व्हाट इज कॉल्ड दिस? पक्का रंग. इस तरीके से दोस्ती सच्ची होनी चाहिए. पक्का तो मकान भी होता है. इसको बोलते हैं सॉलिड कलर. क्या बोलते हैं? सॉलिड कलर. सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग कलर मतलब होता है पक्का रंग. क्या बोलते हैं? पक्का रंग. नेक्स्ट एक होता है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट. क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कलर. सॉफ्ट कलर मतलब क्या होता है? कच्चा रंग. क्या बोलते हैं? कच्चा रंग. तो डू यू प्ले विद द कच्चा रंग एंड पक्का रंग? सॉफ्ट कलर. नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास एक चीज और होती है जिसको कहते हैं कलर्ड पाउडर. व्हाट इज कॉल्ड दिस? कलर्ड पाउडर. कलर्ड पाउडर समझते हैं? गुलाल. क्या बोलते हैं? गुलाल. फॉर एग्जाम्पल दैट अगर आपको लाल गुलाल खरीदना हो तो आप बोल सकते हैं रेड कलर्ड पाउडर. क्या बोल सकते हैं? रेड कलर पाउडर. अगर आपको ग्रीन खरीदना हो तो ग्रीन. इट इज सॉफ्ट कलर्ड पाउडर. गुलाल, गुलाल. हाँ जी भाई, तो क्या बोलते हैं? गुलाल इज मैनी डिफरेंट डिफरेंट. नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच. ठीक है ना, ऐसे क्या बोलते हैं? कलर्ड पाउडर. तो आप कैसे करेंगे? अगर लाल खरीदना तो क्या बोलेंगे? रेड कलर्ड पाउडर. ब्लू, ब्लू कलर पाउडर. पिंक, पिंक कलर पाउडर. येलो इज कलर पाउडर. इस तरीके से आप बोल सकते हैं कलर पाउडर के लिए. नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब देखिए हमें फेंकने के लिए तो भी चाहिए, हालांकि मुख ज़्यादा पहले नंबर पर आता है. दूसरा वाला हम इसकी बातें करते हैं, विच इज कॉल्ड पिचकारी. व्हाट इज कॉल्ड दैट? पिचकारी. पिचकारी को हम क्या कहते हैं? वाटर गन. क्या बोल देते हैं? वाटर गन बोल देते हैं. या हम बोलते हैं स्क्वाट. क्या बोलते हैं? स्क्वाट गन. क्या बोलते हैं? स्क्वाट गन. या बोलते हैं वाटर गन. इसी स्क्वाट से ही बन जाता है स्क्वाटर. क्या बन जाता है? स्क्वाटर. स्क्वाटर का मतलब भी होता है वाटर गन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पिचकारी. व्हाट इज कॉल्ड दिस? पिचकारी. विश्वास नहीं करोगे, इन माय विलेज में छोटा बच्चा था मैं, बड़ी होलियाँ खेला करता था. अब जो मैं बड़ा हो गया मैं बिल्कुल नहीं खेलता हूँ. हालांकि बहुत अच्छा लगता है जब लोग खेलते, गाँव में जाता हूँ खेलता हूँ, और शहरों में कहाँ. ठीक है ना. तो क्या बोलते हैं? वाटर गन स्क्वाटर. लेट मी टेल यू, ये स्क्वाटर होता है, इसका मतलब होता है पिचकारी. क्या होता है? पिचकारी. अब अगर आपको मारना हो, ठीक है ना, उसके लिए रंग भरना पड़ेगा. और रंग भरने के लिए नॉर्मली क्या यूज कर सकते हैं? फिल द कलर. क्या बोल सकते हैं? फिल द कलर. या फिर आप कह सकते हैं फिल द वाटर गन. फिल द वाटर गन जस्ट लाइक दिस एक्चुअली. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखिए, अब अगर आपको मारना हो, पिचकारी मारना हो, तो हम बोलते हैं स्क्वाट. क्या बोलते हैं? स्क्वाट. कौन तो पिचकारी मारो. अगर आपको कहना है कि उस पर पिचकारी मारो, क्या बोलूंगा? स्क्वाट. क्या बोलूंगा? स्क्वाट एट हिम. इस तरीके से नॉर्मली बोल सकते हैं, उस पर पिचकारी मारो ऐसे लेकर. क्लियर? हाँ जी, ऐसे करते. नेक्स्ट प्लीज, एक आपने सुना होगा ना, वन यू हैव रिटन एक्चुअली, जिसको बोलते हैं डोंट माइंड. क्या बोलते हैं? डोंट माइंड, इट्स होली. क्या बोलते हैं? बुरा ना मानो, होली है. ऐसा बोलते हैं ना. क्या बोलते हैं? डोंट माइंड, इट्स होली. बुरा ना मानो, होली है. जस्ट लाइक दिस एक्चुअली पीपल स्पीक नाउ, ऐसे करके. हालांकि बुरा लगता कभी भी. यस मिस्टर, बहुत ज़्यादा जब गलत तरीके से लगाया जाता है. क्या बोलते हैं? स्क्वाट. डोंट माइंड, इट्स होली. क्लियर गाइस? नेक्स्ट थिंग इज दैट, एग्जैक्टली देखो, जब ये चीज़ हो जाती है ना,
हम क्या करते हैं, रंगों को लगाते हैं। रंगों को लगाने के लिए क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नाउ अप्लाई कलर। क्या बोलते हैं, अप्लाई कलर। अप्लाई कलर मीन्स रंगों को लगाना। जैसे अगर कहना हो, अगर आपको कहना है कि अंजू को रंग लगाओ, क्या बोलोगे, अप्लाई द कलर टू द अंजू। इस तरीके से रेणु को लगाओ, अप्लाई द करंट टू द रेणु, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, समझ गए, ठीक है ना। दिनेश को लगाओ, कैसे बोलोगे, अप्लाई द कलर टू दिनेश, क्लियर आपने। अब वो अलग बात है, एक हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी, ऑन ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट होता है रब। क्या होता है रब, रब मीन्स रिनो, रब मीन्स ऐसे रंग रगड़ो और उसके बाद ऐसे रगड़ो। क्या बोलते हैं इसको, रब। क्या बोलते हैं, रब द कलर। क्या बोलते हैं, रब द कलर, कलर को भाई रब करो और उसके बाद अप्लाई द कलर लगाओ जबरदस्त तरीके से, इसको बोलते हैं रगड़ना। क्या बोलते हैं, रगड़ना, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट वी हैव विच इज कॉल्ड ड्रैग। क्या बोलते हैं गाइस, ड्रैग। ड्रैग मीन्स क्या होता है, ड्रैग मीन्स घसीटा, ऐसे टांग पड़ के और हैप्पी होली। आपने देखी है इन विलेज क्या होता है पता है, कहाँ ड्रैग करते हैं पता है लोग, गटर, ड्रेन। ड्रेन तो वही नाली, नाला, समथिंग लाइक दिस। इन सब में छोटी छोटी नालियाँ रहती है ना, उसे पकड़ के से घिसराते हैं सब लोग, उसको फेंकते हैं, इट इज़ कॉल्ड ड्रैग। क्या बोलते हैं, ड्रैग कहते हैं। सुन रहा है कि नहीं, ये वाली होली लड़के बहुत खतरनाक खेलते हैं। एक तो और होली होती है, कपड़ा फाड़ होली। डू नो पीपल टीयर द क्लॉथ एवरीबडीज, छोड़ा नहीं किसी को, जस्ट लाइक इट हैपेंस एग्जैक्टली, जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। गेट इट गाइस, इसको बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग मीन्स क्या होता है, घसीटना। क्या होता है मैम, घसीटना, क्लियर गाइस। गेट इट, नेक्स्ट प्लीज। और होली अच्छी नहीं लगती जब तक ये नहीं होता है, एच एम पी। क्या बोलते हैं, एच एम पी। यस मिस्टर, आप ही का सामग्री है, ठीक है। हेम्प मतलब होता है भांग। क्या होता है, भांग। हेम्प मीन्स क्या होता है, भांग। व्हाट इज कॉल्ड दिस, भांग। अब भांग खाने को बोलते हैं कंज्यूम। क्या बोलते हैं, कंज्यूम। हाँ जी मैम जी, बनती कैसे, कुछ पत्ते होते हैं, कुछ वो रेडीमेड मिलते हैं, गोले गोले हैं, है ना, और पत्ती वाले मोली, हाँ वही जो आपका गोला भाई। क्या बोलते हैं, कंज्यूम हेम्प। क्या बोलते हैं, कंज्यूम हेम्प। ध्यान देना, जहर खाने के लिए भी कंज्यूम लगता है, ठीक है ना गाइस। ओके गाइस, चलो पीते हैं अब, लेस हैव या लेस कंज्यूम द हेम्प, इसको बोलते हैं, यानी कि चलो भांग पिए ऐसे करके। गेडी बॉयज नॉट, यस लव यू, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्री, ये हो गया। अब देखिए, जब ये सब हो जाता है, खा पी लेते हैं, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर ईटिंग एंड ऑल। कुछ खाने पीने के लिए भी चीज़ें होती है, जैसे क्या क्या होती है खाने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए मुझे। गुजिया, क्या होती है गुजिया। गुजिया को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग। बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, जिसको हम बोलते हैं गुजिया, हिंदी में अच्छा है। स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं फ्लैकी। क्या बोलते हैं, क्या हो गया, फ्लैकी बिस्किट। क्या बोलते हैं, फ्लैकी बिस्किट, इसका मतलब क्या होता है, डू यू नो मठरी। स्पेलिंग गलत है, वेयर, ओह सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखो क्या होता है, फ्लैकी बिस्किट मतलब होता है मठरी, मठरी डू नो मट्ठी, मट्ठी, यू नो दिस इज कॉल्ड मट्ठी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पपाडम। क्या होता है पपाडम, ये समझते हो, पपाडम इस होता है पापड़। क्या होता है, पापड़, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है पैनकेक। क्या होता है पैनकेक, पैनकेक मतलब होता है मालपुआ। क्या बोलते हैं, एक दो तीन तरह का बनता है, बहुत अच्छा अच्छा बताना, क्या बोलते हैं, पैनकेक, कटिंग। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्वीट पुडिंग। क्या बोलते हैं, स्वीट पुडिंग। स्वीट पुडिंग मतलब क्या होता है, अरे वो कह दो हलवा। क्या बोलते हैं, हलवा। एक होता है राइस पुडिंग। क्या होता है, राइस पुडिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खीर। क्या बोलते हैं, खीर। कुछ लोग स्वीट पुडिंग को ही बोल देते हैं खीर, स्वीट पुडिंग हलवा समझ सकते हैं। राइट पुडिंग मीन्स, राइस पुडिंग मीन्स खीर, वी हैव, क्लियर गाइस। नेक्स्ट प्लीज, एक हमारे पास और जिसको बोलते हैं सागो पुडिंग। क्या बोलते हैं, सागो पुडिंग, ये सागो जानते हो, सागो पुडिंग, अरे जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है पनीर खीर में डालते हैं बड़ा बड़ा, साबूदाना। क्या बात है सर, साबूदाना। क्या बोलते हैं, साबूदाना की खीर को क्या बोलते हैं, सागो पुडिंग। ये तो बोल रहा हूँ, देखिए, अरे इधर तो देखिए, साबू, हाँ सागो
सागो पुडिंग मतलब होता है साबूदाना वाली खीर। आप समझ रहे मिस्टर? नेक्स्ट प्लीज। एक होता है फ्रीटर, क्या होता है गाइस? फ्रीटर। फ्रीटर मीन्स क्या होता है? फ्रीटर मीन्स होता है पकौड़ा। क्या होता है? पकौड़ा होता है। एक होता है नटी, क्या होता है? नटी ड्रिंक। क्या होता है डीएस? नटी ड्रिंक। नटी ड्रिंक का मतलब होता है ठंडाई। ठंडाई डू नो? ठंडाई, अरे वही शरबत, भांग वाला, वही बोलते हैं ना कुछ ऐसा, शरबत बना, जूस दूध दूध का बनाते।